हनुमान जय श्री कृष्णा सेज समूह की इस विचार श्रृंखला में आज हम तीसरे दिन एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सचमुच अनूठा है। अंग्रेजी में उसको कहेंगे डिवोशन और हिंदी में इसके लिए लगभग बड़ा प्यारा सा शब्द है निष्ठा, लगन और अगर और आगे बढ़ो तो भक्ति। अब ये निष्ठा, लगन, भक्ति हमारे भीतर क्यों होना चाहिए? आज हमारी लाइफ में डिवोशन का क्या मतलब है? कैसे हम इस डिवोशन को समझेंगे? इसको हमको ठीक से जानना है। तो चलिए चलते हैं इस सब्जेक्ट में, लेकिन उसके पहले आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है। ये जो विजयादशमी के दिन हमने रावण को मारा, ये कौन है? हमारे भीतर हमारे ही दुर्गुण। ये जो श्रृंखला है ये क्यों की जा रही है? आपको कुछ क्लैरिटी आ जाए, आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम अपनी ही बुराइयों को खुद खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये तीसरा सूत्र तो बहुत काम का है। ये युग ऐसा है मित्रों, एक बात कहता हूं, आप कितने टैलेंटेड हो, बाकी सब भी कंपटीशन में चल रहे हैं। तो हो सकता है आपके पास उतनी एजुकेशन ना हो, उतनी डिग्री ना हो, उतना एक्सपीरियंस ना हो, पर एक चीज यदि आपके पास है तो आप दूसरी योग्यताओं में ऊपर चले जाएंगे और वो है निष्ठा। आपके पास बहुत बड़ी डिग्री ना हो, आप किसी चीज के विशेषज्ञ ना हो, आपके आसपास काम करने वाले दूसरे लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन आपके पास यदि निष्ठा है तो निष्ठा उनको रिप्लेस कर देगी। मैं वचन दे रहा हूं आपको, खूबी है निष्ठा की। अपने डिवोशन को बनाए रखिएगा। अब निष्ठा क्या होती है और कैसे आती है? दो चीजों से निष्ठा आती है, ईमानदारी और परिश्रम। कभी ना छोड़ना। मुझसे कई लोग कहते हैं हम तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत परिश्रमी हैं, लेकिन बेईमान, चापलूस, षड्यंत्रकारी ये आगे निकल जाते हैं, हम वहीं रह जाते हैं। तो आज आपको एक सूत्र दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और किसी स्थिति में अपनी ईमानदारी, अपने परिश्रम को समाप्त मत करना, क्योंकि ऊपर वाले का एक विधान है, वो यहां किए हुए का रिजल्ट वहां कभी नहीं देता। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में निष्ठा से काम करना, यानी परिश्रम, ईमानदारी से काम करना, तो हो सकता है रिजल्ट यहाँ नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा फैमिली लाइफ में, बच्चे काबिल हो जाएंगे, आपकी स्पाउस रिलेशनशिप बड़ी हेल्दी होगी, रिजल्ट वहां मिल जाएगा। और जो बेईमानी करके आगे जा रहे हैं उनसे वापस भी ले लेगा भगवान। तो निराश कभी मत होना। आप यदि ईमानदारी, परिश्रम से काम करें और दूसरे बेईमानी से आगे जाएं तो टूट कभी मत जाना। और ये कभी मत सोचना कि चलो अपन भी बेईमानी कर लें। निष्ठा बनाए रखिएगा। निष्ठा के दो बही खाते होते हैं, एक नीचे लिखा जाता है, दुनिया में आसपास के लोग लिखते हैं, आपका मैनेजमेंट, आपके क्लाइंट्स, लेकिन एक खाता ऊपर लिखा जाता है, ऊपर वाला लिखता। मेरी बात का भरोसा करिए, मैं केवल धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर वाला मतलब एक कॉस्मिक पावर। आपका जो धर्म हो, हर धर्म कहीं ना कहीं अपने आप को एक सुपर पावर से जोड़ता है। अब आप उसको जो नाम दे दें। तो चलिए, बात मैंने कही निष्ठा की। अब आप देखो, मैं आपको एक निष्ठा का उदाहरण देता हूं। मैं तो हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूं, आप भी भक्त हैं, और आप हनुमान जी जैसी निष्ठा रखिए। यही उद्देश्य है सेज समूह का इस विचार श्रृंखला में, और कुछ नहीं है। इसमें कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है। इसके पीछे सिर्फ उद्देश्य है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, आपको क्लैरिटी आए कि निष्ठा क्यों रखें, आप थक न जाए निष्ठा निभाने में। हनुमान जी खड़े और रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब हनुमान जी ने कहा पूंछ में तो आग लग जाएगी, पर मैं कितना कूदूंगा, कितनी लंका जलाऊंगा। उसी समय चले मरुत 49, एक पंक्ति आती है, उसी समय तेज हवा चली। अब ये तेज हवा किसने चला दी? हनुमान जी ने कहा लो, मुझे तो कुछ करना ही नहीं, अब मुझे तो इधर से कूद के उधर जाना, उधर बाकी काम तो पवन करेगा, बाकी काम तो हवा करेगी। हवा किसने चलाई? ये फेवर ऑफ कॉस्मिक पावर है। आप कोई काम करें तो वो जो सुपर पावर है, जो आप जिस पर भरोसा रखते हैं, जिसकी आपके प्रति निष्ठा है, वो आपको फेवर करेगा। अपने संस्थान के प्रति निष्ठा रखिए। आप जहां विद्यार्थी हैं उस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रति, जहां नौकरी करते हैं, जहां व्यापार करते हैं, उस क्लाइंटेज में, उस एरिया में निष्ठा रखिए। लोग आपको देख के कहें इनके पास बैठ के, इनके साथ काम करने में, यहां रुकने में अच्छा लगता है। आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। देखो हनुमान जी का काम हुआ तो आपका भी हुआ। निष्ठा बनाए रखना। हनुमान जी को राम जी पे इतनी निष्ठा थी कि जब लक्ष्मण को वीरघातिनी शक्ति लगी तो सुषेण वैद्य ने ये आके कहा कि सूर्य की पहली किरण अगर लगी तो ये और विषैली हो जाएगी और लक्ष्मण समाप्त, ऐसा कहा था। राम तो रो दिए, लेकिन एक निष्ठावान हनुमान जी ने कहा आप चिंता न करें, मैं औषधि लाऊंगा। तब राम ने कहा था हनुमान केवल औषधि लाना बात नहीं है, बात यह है कि सूर्योदय के पहले लाना है। अब आप देखिए, जिसकी ताकत निष्ठा होती है उसकी घोषणा भी क्या होती है कि हनुमान जी ने कह दिया तो आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं औषधि लेकर नहीं आऊंगा कल का सूरज नहीं उगेगा। क्या डिवोशन, कमिटमेंट, पावर। निष्ठा बहुत ताकतवर होती है, आप इसको कमजोरी मत समझना। और ले आए, वो समय पे औषधि ले आए। और जब औषधि लेने गए तो सूर्य देवता ने सुना कि हनुमान ने घोषणा की है कि कल का सूरज नहीं उगेगा, तो सूरज ने कहा बाप रे, बचपन में पूरा ही खा गया था मुझको। तो पीछे पीछे गए सूरज देवता की, ये प्रकाश कर लिया भैया तू बील ले और चल जल्दी। आपकी नीयत अगर साफ है तो नीति आपका साथ देती है, इसको निष्ठा कहते हैं। हमसे कई लोग पूछते हैं अब निष्ठा को कैसे डेवलप करें। देखो एक बहुत सीधी सी थ्योरी, मन वचन कर्म में एक हो जाओ तो निष्ठा पैदा हो जाती। हम लोग अलग हैं, हम मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते तीसरा है। सबने किया होगा। आप किसी से मिलते हैं तो उसको देख के बोलते हैं अरे वाह बहुत मजा आया आपको देख के, और उसी समय आपका मन कह रहा होता है ये दुष्ट अभी दिखना था कम वक्त। सब यही कर रहे हैं, तो फिर निष्ठा कैसे आएगी? मन वचन कर्म में एक हो जाएगी। आइए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। जब आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करते हैं ना, तो उसकी जो बॉटम है उसमें मूलाधार चक्र होता है। नाम याद ना हो तो छोड़ो आप, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करना, सारा ध्यान बॉटम पे लगाना, आंख बंद करके गहरी सांस वहां तक ले जाना, वहां से छोड़ना। 3-4 बार ओम का उच्चारण मनी मन करते हुए। ओम एक ऐसी ध्वनि है कि जिसके धीरे धक्के से आपकी लाइफ एनर्जी ऊपर उठेगी और नाभि, जिसको नेवल पोर्शन कहते हैं, इसके नीचे 2 उंगल नीचे एक और चक्र स्वाधिष्ठान, वहां से आके नाभि पे ले आएंगे आप। आप करिए, आराम से सोचिए, मनी मन ओम का उच्चारण करिए और कल्पना करिए कि आपकी लाइफ एनर्जी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम से ऊपर उठी, स्वाधिष्ठान चक्र, और सीधे नाभि पे आ गई। ये तो आपको याद होगा, छोड़िए, इसका नाम तो मणिपुर चक्र है। अगर याद ना रहे तो नेवल पोर्शन अपनी नाभि पे लाना है। बस 3-4 बार ऐसा करिए, अचानक आप पाएंगे आपकी निष्ठा मजबूत हो जाएगी, मन वचन कर्म में आप एक हो जाएंगे। और जो निष्ठावान लोग होते हैं ना, वो दूसरों की परवाह नहीं करते, दूसरों से टूटते नहीं है। ठीक है, बेईमान आगे जा रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपकी निष्ठा का बही खाता लिख रहा है और वो आपको लौटाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, निष्ठावान व्यक्ति घोषणा करता है कि कीचड़ उनके पास था, मेरे हाथ गुलाल, और जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। आपके पास निष्ठा है, आप परिश्रम ईमानदारी की गुलाल उड़ाएंगे। आपके पास बेईमानी, षड्यंत्र, चापलूसी का कीचड़ नहीं है। सेज ग्रुप ये जो विचार श्रृंखला कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या मिलना है इसको? इसको एक बात मिलना है, कुछ अच्छे इंसान धरती पे क्लैरिटी के साथ समझ लें डिवोशन क्या है, ये मिलना है। और आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जिंदगी कितनी टफ हो जाए हमारी निष्ठा हमको पार ले जाएगी। और मैंने तरीका बता दिया, स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करना, बॉटम से सांस के माध्यम से ऊर्जा को नेवल पोर्शन तक ले आना। छोटी सी क्रिया, लेकिन आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, कल फिर एक नए विचार के साथ मिलते हैं। बड़ा प्यारा विचार है, लालच किसको नहीं होती। ये एक लालच एकमात्र गुण है जो पैदा होते ही चालू हो जाता है छोटे से बच्चे को, जिसको ये तक नहीं मालूम। लेकिन माँ अगर दूध की बोतल हिलाए तो उसको, जिसको कुछ नहीं मालूम है, ये लालच आ जाता है कि दूध मिलने वाला है। कल इसकी भी तैयारी करेंगे। इस लालच ने अच्छे अच्छे लोगों का पतन कर दिया। आप उसमें से नहीं होना चाहिए। आप जुड़े हुए हैं सेज ग्रुप से, तो सेज ग्रुप आपको कुछ ऐसे विचार दे रहा है, आपका व्यक्तित्व और अस्तित्व समझ जाए। मैं फिर कल नए विचार से मिलता हूं, बात करेंगे लालच पे। अभी अपने आप को खुश रखिए। निष्ठावान को कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।